Assalamu alaikum. I am Dr. Mujahid Farooq, your sex therapist at Men's Care Clinics. मैं एक वीडियो ऑलरेडी इस टॉपिक पे, इससे रिलेटेड टॉपिक पे दे चुका हूँ, लेकिन आज हम पर्टिकुलरली बात करेंगे मेल फर्टिलिटी या इनफर्टिलिटी की बात कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हम लेंगे कि व्हाट इज मेल इनफर्टिलिटी। देखिए, मेल इनफर्टिलिटी को डायग्नोज करना बहुत आसान है, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिंपली कुछ ब्लड के टेस्ट होंगे और एक मनी का टेस्ट होगा, उसमें आपके सामने पिक्चर आ जाती है कि आपको क्या आप बेऔलादी का शिकार हैं। मर्दाना साइड पे फीमेल को हम डिस्कस नहीं कर रहे, हम सिर्फ मेल्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें जस्ट कुछ ब्लड टेस्ट और एक मनी का टेस्ट आप करवाएंगे तो डायग्नोज करना बड़ा ईजी हो जाएगा कि क्या आप वाकई ही बेऔलादी का शिकार हैं। उसमें क्या होता है कि जो आपकी स्पर्म की रिपोर्ट होती है, सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट होती है, उसके अंदर वो पैरामीटर्स हमें बता देते हैं कि आपके जो स्पर्म के काउंट्स हैं वो कैसे हैं, फिर उनमें हरकत करने की सलाहियत जिसे मोटिलिटी कहते हैं वो कैसी है, उसमें अच्छी क्वालिटी के, मीडियम क्वालिटी के, लो क्वालिटी के स्पर्म्स जो हरकत कर रहे हैं उनकी कंडीशंस कैसी हैं, फिर उनकी जो जिसामत है, शक्ल शुबाहत है वो कैसी है, जिसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं कि उसका हेड, उसका नेक पीस और उसकी टेल, ये चीज़ें ठीक हैं भी कि नहीं हैं, क्या वो ये सलाहियत रखता है बच्चा पैदा करने की सलाहियत रखता है, आपके जेनेटिक मटेरियल को कैरी करके ले जाने की सलाहियत रखता है कि नहीं रखता है, वो हम वहाँ से एक बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। तो औलाद पैदा ना करने की सलाहियत का दारोमदार आपके स्पर्म की क्वालिटी एंड क्वान्टिटी पर होता है। दूसरा सवाल जो बड़ा आसान सा है कि what happens if a male is infertile? देखें, इनफर्टिलिटी जो है ये दो तरह की होती है। ये पहले ये चीज़ समझ लीजिए कि इनफर्टिलिटी दो तरह की है, एक वो है जिसको हम ट्रीट कर सकते हैं, एक वो है जिसको हम ट्रीट नहीं कर सकते। अगर तो हम उस इनफर्टिलिटी या बेऔलादी का शिकार हैं जिसको हम ट्रीट कर सकते हैं तो फिर मामला कोई बहुत पेचीदा नहीं है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है लेकिन इसका इलाज मुमकिन हो जाता है। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती हैं जिसमें ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होता, वो सिर्फ तब होता है जब आपकी फैक्ट्री यानी कि आपका टेस्टिस जो है वो सेल पैदा करने की सलाहियत ही ना रखता हो या वो सलाहियत खो चुका हो। ऐसी कंडीशन में आप उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं कर पाते। अगर तमाम इन्वेस्टिगेशंस के बाद भी कोई आपको स्पर्म नहीं मिल रहा तो फिर आपके पास इसके कोई सिवाय इसके कि आप बच्चा अडॉप्ट कर लें और कोई हल नहीं होता। लेकिन दूसरी कंडीशन जो ट्रीटेबल है उसमें फिर बहुत सी कंडीशंस होती हैं जिसमें चांसेस अच्छे भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन ऑन फर्स्ट स्टेप आपको ये समझ लेना ज़रूरी है कि डायग्नोज करवा लें कि आया ये ट्रीटेबल है या नहीं है। अब प्रॉब्लम यहाँ ये आता है कि बहुत से लोग जो कि प्रोफेशनल नहीं हैं वो इस चीज़ को डायग्नोज करने में कोताही कर जाते हैं। अपनी कोताही की वजह से वो मरीज़ को सारी उम्र के लिए जो है वो एक प्रॉब्लम में फंसा जाते हैं कि वो खुद नहीं अच्छे से डायग्नोज कर रहे होते या उन्हें पता नहीं होता कि डायग्नोज कैसे करना है। वो सिर्फ सीमन की रिपोर्ट देखते हैं, वहाँ उसकी मोर्टेलिटी ज़ीरो है तो वो जवाब दे देते कि नहीं जी, अब आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपका तो मामला ख़त्म हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर ज़ीरो भी हैं तो ऐसी कंडीशन में ट्रीटमेंट मौजूद है, अगर ये ट्रीटेबल कॉज है इसके पीछे। अगर इसके पीछे कॉज ट्रीटेबल नहीं है तो फिर ऑफकोर्स नहीं हो सकता, लेकिन वहाँ तक डायग्नोज करना डेफिनेट होता है। तो अगर बेऔलादी का शिकार हैं आप तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि आप अगर ट्रीटेबल कॉज नहीं है तो फिर आप एडॉप्शन की तरफ जाते हैं, अगर ट्रीटेबल कॉज है तो फिर आपको थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन ये रिकवर हो सकती है। अगला सवाल है कि हाउ कॉमन इज़ मेल इनफर्टिलिटी। देखें, फ़र्स्ट स्टेप पे ये समझ लीजिए कि शादीशुदा ऐसे जोड़े जो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना वाइफ को ना हस्बैंड को, तब भी दुनिया भर में 20% ऐसे जोड़े हैं जो मुकम्मल फिट होने के बावजूद भी औलाद पैदा नहीं कर पाते। यहाँ हम डॉक्टर्स के हाथ खड़े हो जाते हैं कुदरत के सामने कि यहाँ उसकी अपनी मंशा है, वो अगर देना चाहे तो। लेकिन ये एक बड़ा नंबर है, मैरिड कपल्स टोटली हेल्दी 20% जो औलाद नहीं पैदा कर पा रहे, ये बड़ी कॉमन है। तो मेल इनफर्टिलिटी बहुत कॉमन सी चीज़ है, हर 10 में से दूसरे तीसरे मर्द को ये प्रॉब्लम हो सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम लकीली ये ट्रीटेबल कॉज होती है,
इजीली ट्रीट हो जाती है, थोड़ा टाइम टेकिंग होती है लेकिन इसको ट्रीट किया जा सकता है। बट इन सम केसेस इनमें अगर कॉज अनट्रीटेबल है तो फिर उसकी ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होती। अगला सवाल बहुत प्यारा सवाल है कि व्हाट डिटरमाइंस द स्पर्म हेल्थ। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही पते का सवाल है, इस पर आप लोगों को गौर ज़रूर करना चाहिए। आपकी अच्छी सेहत, अच्छी एक्सरसाइज, अच्छी डाइट, अच्छा लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल, जंक फूड ना लेने की हैबिट, स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स वगैरह ना लेने की आदत, ये सारी चीज़ें पॉजिटिव इफ़ेक्ट डाल सकती हैं। अगर आप जंक फूड लेते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और ड्रग्स वगैरह में इन्वॉल्व हैं, तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो आपके स्पर्म हेल्थ को डेफिनेटली इफ़ेक्ट करती हैं। बड़ी उम्र में आने के बाद दो चार चीज़ें और भी एक्स्ट्रा इसमें ऐड हो जाती हैं, जैसा कि आपका शुगर का मसला, डायबिटीज़ मेलाइटस, इसको डेफिनेटली इफ़ेक्ट करती है। फिर आपका हाइपरटेंशन है, जिसे आप ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो इशू जो है वो भी इसको डेफिनेटली इफ़ेक्ट करता है। फिर इनको ब्लड प्रेशर और शुगर को ट्रीट करने वाली अद्वियात के साइड इफ़ेक्ट भी इसको इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें। उसके अलावा आपका हार्मोनल जो सिस्टम है उसका करेक्ट होना भी ज़रूरी है। आप रात को सोते नहीं हैं, आपके हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं होते, तो आपके बॉडी में हार्मोन्स की कमी होगी, वो इसको इफेक्ट करेगी। तो ये सारा कुछ एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होता है, ये सारी चीज़ें आपके स्पर्म हेल्थ को इफेक्ट कर सकती हैं। इसी ज़िम्मे में एक लास्ट सवाल है कि वो कौन सी कॉजेज़ हैं जो मेल इनफर्टिलिटी पैदा करती हैं। इसकी जो शुरू में मैंने एक बात की थी कि बहुत अमूमी तौर पे जो वजूहात होती हैं उनमें आपका लाइफस्टाइल बहुत मैटर करता है, स्मोकिंग की आदत वो इसको इफ़ेक्ट करती है, अगर आपको वेरिकोसील है डेफिनेटली वो इफ़ेक्ट करेगी, उसके अलावा अगर आप कोई ड्रग्स वगैरह ले रहे हैं तो वो इसको इफ़ेक्ट करेगी, तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। हाँ, अगर आपके हार्मोन्स वगैरह डिस्टर्ब चल रहे हैं, टेस्टोस्ट्रॉन, प्रोलैक्टिन, LH, FSH, एस्ट्रोडियोल, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसके अलावा और बहुत से कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं जिनको चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। आपके बॉडी में टॉक्सिन मटेरियल्स कितने ज़्यादा हैं, वेस्ट मटेरियल्स कितने ज़्यादा हैं, वो इनको सारे इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स देखने की ज़रूरत होती है, बहुत सारी चीज़ों से ये इफ़ेक्ट हो रहा होता है एट अ टाइम। हमें YouTube और Facebook पे फॉलो करते रहिएगा, अपने क्वेश्चंस हमें ज़रूर भेजें, कमेंट्स करते रहें, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और हमें Facebook पे लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।